पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशोंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊ आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप बुरारी ही तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही कर जोरू विनती करूं डरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुखाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात। आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात।
गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समा। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो सुमर। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत समारी। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, सूजत और न ठोरी। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलान पूत। छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, वो प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर इस काल के लोक में, पृथ्वी आदि लोकों में आता है। सहशरीर आता है, सहशरीर चला जाता है। वो परमेश्वर सतयुग के अंदर सत्सुकृत नाम से सुप्रसिद्ध होता है। पूरे युग में सत्सुकृत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होती है। वही पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से सुप्रसिद्ध होता है। पूरे युग में मुनिंदर नाम से ही उनकी प्रसिद्धि रहती है। वही परमेश्वर द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सहस्रीर आते हैं, सहस्रीर चले जाते हैं, और पूरे द्वापर युग में उनकी करुणामय नाम से प्रसिद्धि रहती है। प्रत्येक युग में परमात्मा ऐसे आते हैं। इसी प्रकार कलयुग में
वे परमेश्वर अपने वास्तविक यथार्थ वेदो उक्त नाम से प्रसिद्ध होते हैं, प्रगट होते हैं। वेदोक्त नाम से प्रसिद्ध होते हैं कबीर देव। वेदों में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव लिखा है, कबीर देव। हम उसे कबीर देव कहने लगे, कबीर वह को वह बोलने लगे, और इसी प्रकार अपभ्रंश होकर के परमेश्वर का नाम हम कबीर साहब बोलने लगे। देव माने साहब, परमेश्वर परमात्मा, तो हम कबीर साहब कहने लगे और लिखने भी लगे कबीर साहब। वेदों में उसे कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, कबीर मनीषी आदि नामों से संबोधित किया गया है। वो परमेश्वर इस कलयुग में, वर्तमान चल रहे कलयुग में, बनारस अर्थात काशी शहर में, पवित्र भारतवर्ष की पवित्र धरातल पर सहशरीर अवतरित हुए। बनारस शहर के लहर तारा नामक एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वे एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा, जो निसंतान थे, परमेश्वर को बालक रूप में अवतरित नवजात शिशु को उठा ले गए। पुत्रवत परवरिश की और जब परमात्मा छोटी ही आयु के थे, उसी समय से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जिस लिए आते हैं उस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। परंतु परमात्मा को एक बालक समझकर उनकी उन गुण रहस्य युक्त वचनों पर, बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमात्मा अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए। उन्होंने अपनी उस अमृतवाणी को लिपिबद्ध करवा दिया। वही अमृतवाणी आज पवित्र सदग्रंथों से, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्री मद्भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण आदि सभी ग्रंथों से मेल खा रही है। जो इन सदग्रंथों के अंदर यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है, वही परमेश्वर ने अपनी कबीर वाणी में, कबीर वाणी में, अर्थात अपने उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर के द्वारा उच्चारित वाणी में, अर्थात तत्व ज्ञान में पहले ही भरा हुआ था, लिखा हुआ था, जो हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था, जो कि संस्कृत को पढ़ने का। अन्य भाषा तो कोई भी पढ़ सकता था, लेकिन संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ सकता था, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। इसलिए जनसाधारण ये नहीं समझ सका कि कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाह अकबर, जो अपनी साधारण भाषा में बोल रहे हैं, ये ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। कारण यही रहा कि जो ब्राह्मण लोग थे वो सदग्रंथों को समझ नहीं सके, वो संस्कृत अवश्य जानते थे, वो सदग्रंथों से अपरिचित थे, केवल संस्कृत भाषा जानते थे। अब भाषा का ज्ञान होना अन्य बात है और सदग्रंथों यानी आध्यात्मिक ज्ञान होना ये विशेष बात है। परमात्मा कहते हैं, सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूढ़ किसाना। क्योंकि समझदार किसान तो थोथा भूस छड़ नहीं सकता। अनजान व्यक्ति, जैसे किसी ने धान निकाल लिए हो और उस दानों के ढेर निकले हुए उस भूस पर, पराल पर, उस पर ऐसे झाड़ रहा, पकड़ पकड़ कर मोगरे मार रहा है, कूट रहा है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होना, उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होनी। इससे सिद्ध है कि जो वो क्रिया कर रहा है वो व्यर्थ है। ऐसे ही परमेश्वर पूर्ण परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप धारण करके आते हैं
और यथार्थ ज्ञान को वेदों और पवित्र सदग्रंथों को वही समझाते हैं। उसमें उनकी भाषा इसलिए सिंपल रहती है क्योंकि संस्कृत के पढ़ने में बैन लगा होता है, केवल एक ही वर्ग पढ़ रहा होता है। इसलिए परमेश्वर अपनी साधारण भाषा में उन वेदोक्त अन्य सदग्रहों के सदग्रंथों में लिखित उसी ज्ञान को अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं और लिखवाते हैं। परमेश्वर को ना पहचान कर हम उनके उस तत्व ज्ञान को, उस अमृत ज्ञान को, अमृतवाणी को विशेष महत्व नहीं देते और उन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, संतों, ब्राह्मणों, गुरुओं की, उन संस्कृत के जानने वालों को हम वेदों के ज्ञाता, सदग्रंथों के ज्ञाता मानकर उनकी सदग्रंथों विरुद्ध दिए गए उस दंत कथा को, वेद सदग्रंथों के विरुद्ध जो कथाएं वो सुनाते थे उनको हम सत मान लेते हैं। वो परमेश्वर आकर के फिर यथार्थ ज्ञान देते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी, यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी पूर्णमासी को परमेश्वर सहश्री राय सत्यलोक से और एक शिशु रूप धारण किया। और अभी आपको बताया कि उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा लेंगे जो नी संतान थे। परमात्मा ने छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने, महिमा के भूखों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य को ना त्याग कर जनसाधारण को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया कि ये कबीर दुष्प्रचार कर रहा है, ये वेदों और गीता के बारे में कुछ नहीं जानता है, पुराणों के बारे में ये नहीं जानता है, ये छोटी जाति का है और ये सिक्स ये संस्कृत नहीं पढ़ा है, इसलिए ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, ये झूठ बोलता है। उसमें अपने पूर्वजों ने, श्रद्धालुओं ने इस बात को सत्य मान लिया कि जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं ये सत्य है, क्योंकि ये महर्षि विद्वान हैं, संस्कृत भाषा को जानते हैं, कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित हैं, इसलिए इन ब्राह्मणों की बात सत्य है कि कबीर सदग्रंथों से अपरिचित है। अब इस दास के ऊपर मेहर करी परमेश्वर कबीर देव ने इस दास को भेज दिया अपने पूर्व दिए गए उस अमृत ज्ञान का उजाला करने के लिए। आज से 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर ने ये अमृत वाणी बोली थी, जो लिपिबद्ध कर दी गई कबीर वाणी, अब उसका प्रकाश करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए और उस सत्य अमृत वाणी को सदग्रंथों से तुलना करके आपको सत्य सिद्ध करने के लिए इस दास को भेजा। इससे प्रथम बात तो ये हो जाएगी कि कबीर परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, ये सिद्ध होगा क्योंकि पहले प्रभु आए थे 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, तो उन्होंने वो लीलाएं की थी, वो सुख दिए थे श्रद्धालुओं को, परमात्मा ही दे सकता है। दूसरे ऐसा ज्ञान दिया था जो परमात्मा ही दे सकता है, क्योंकि वेदों को वेद ज्ञान जो है ये प्रभु दत्त है। गीता जी का ज्ञान ये काल दत्त है, ब्रह्म दत्त है। अब विचार करना, चारों वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम परमात्मा कबीर जी ने, वैसे पांच वेद दिए थे कबीर परमात्मा ने, पांच वेद दिए थे कबीर परमेश्वर ने किसको, इस ब्रह्म को। और ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने क्या किया कि चार वेद तो अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, पांचवा जो सवसम वेद था जो कबीर परमेश्वर ही आकर फिर पुनः प्रदान करते हैं वो छुपा दिया, क्योंकि उसमें इसके जाल का रहस्य उद्घाटन था, इसके रहस्यों का जो है पर्दाहट था, ये काल है, 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, इसकी उत्पत्ति आदि उस सवसम वेद में लिखी थी। तो काल ने इस डर से कि कहीं
मेरे अंतर्गति किस ब्रह्मांड के प्राणियों को ये ज्ञान हो जाए कि मैं काल हूँ और इनको खाने के लिए बांधे बैठा हूँ, तो कहीं ये मेरे से विमुख होकर के जब परमेश्वर आवे सारे के सारे उसी के चरणों में ना लग जाएं। इसलिए इस काल ने यथार्थ ज्ञान से हटाकर भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। इसलिए जो ब्रह्म जो वेदों का ज्ञान है वो परमेश्वर कबीर जी ने दिया था किसको, इस ब्रह्म क्षर पुरुष को, जिसको जो 21 ब्रह्मांड का परमात्मा प्रभु है, स्वामी है। और इसने अपने पुत्र ब्रह्मा को इन चार वेद दे दिए, पांचवा छुपा लिया। तो चारों वेदों का ज्ञान परमेश्वर द्वारा दिया गया है ब्रह्म को, और ब्रह्म ने आगे अपने पुत्र ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने जैसा भी वेदों को जाना समझा उसके आधार पर इसने अन्य श्री विष्णु जी आदि को, श्री शिव जी श्री शंकर जी आदि को, शिव जी आदि को इसने आगे भेद बताया। और अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महर्षियों को भी ब्रह्मा ने ही ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण तीसरे शकंद में कहता है कि अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि मैं जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से आ गया, कौन मेरा जनक है, किसने मुझे उत्पन्न किया है। तो उसमें आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को परमात्मा की वाणी जानकर, क्योंकि ब्रह्मा को कुछ पता ही नहीं था ये बोल कौन रहा है, तो उसको परमात्मा की वाणी जानकर, परमेश्वर की वाणी आदेश जानकर के तपस्या की 1000 वर्ष तक। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। ब्रह्मा कहता है कि मैंने सोचा किसकी सृष्टि करूं, कोई पानी जल ही जल है, पृथ्वी है नहीं। तो उसमें कमल का डंठल पकड़ कर मैं नीचे गया मधुर कैटब नामक राक्षस से डर के, तो नीचे शेष नाग की सैया पर सोया हुआ मुझे एक चतुर्भुज प्रभु मिला, वो श्री विष्णु जी थे। और श्री विष्णु जी के नाभि के से निकले हुए कमल से ब्रह्मा उसके ऊपर बैठा पाया अपने आप को, इसलिए उसने कमल जय नाम रख दिया ब्रह्मा का कि कमल से उत्पन्न होने वाला। तो नीचे विष्णु जी अचेत थे, वो बेहोश थे, कोमा में डाल रखे थे दुर्गा और काल अर्थात ब्रह्म ने। कुछ देर के कुछ ही क्षणों में श्री विष्णु जी के शरीर से एक देवी निकली और वो आकाश में दिखाई देने लगी, सब आभूषण पहने हुए थी, सुंदर कपड़े डाल रखे थे, सुंदर शरीर था। जो ही विष्णु जी के शरीर से वो देवी निकली, वो कौन थी, वो दुर्गा थी, अन्य रूप धारण करके वो विष्णु जी के शरीर में प्रवेश थी। जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं दूसरी शरीर में और वो आत्मा अचेत हो जाती है, कई घंटों तक शुद्ध नहीं आती उसको, ऐसी स्थिति में वो प्रेतनी की तरह दुर्गा श्री विष्णु जी के शरीर में प्रवेश थी। और श्री विष्णु जी सचेत हो गए। अब इतने में फिर विष्णु जी ने उन दो राक्षसों मधु और कैटब के साथ युद्ध किया और मधु कैटब को मार के श्री विष्णु जी और ब्रह्मा वहाँ दो थे। इतने में शंकर भी वहीं आ गया, भगवान शंकर भी वहीं प्रकट हो गए। अब पुण्यात्माओं, हमने इस तत्व ज्ञान से निष्कर्ष निकालना है सदग्रंथों से कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक विभाग के प्रभु हैं, एक ब्रह्मांड में, ये एक ब्रह्मांड में तीन लोकों में एक एक विभाग के प्रभु हैं। रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी क्योंकि ये रजोगुण है, और सतगुण विभाग के विष्णु जी क्योंकि ये सतोगुण है और सतोगुण युक्त है, और तमगुण विभाग के भगवान शंकर जी क्योंकि ये तमोगुण युक्त हैं।
और फिर दुर्गा ने इनकी शादी की अपने तीन रूप अन्य धारण करके, एक एक देवी रूप में इनको दे दी, ब्रह्मा को सावित्री, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर को पार्वती उमा। इन तीनों से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हो गई। कुछ अन्य दुर्गा ने भी अन्य अपने शब्द वचन से भी कुछ प्राणी उत्पन्न किए और ब्रह्मा को 1000 वर्ष तप कराया, तो ब्रह्मा के शरीर से भी कुछ वचन से ही दुर्गा के द्वारा दिए गए बीज शक्ति से वो वचन से ही कई काफी जो है मानव उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब कहने का भाव यह है कि अब आगे जो पुराणों की रचना हुई है, ये पुराणों की रचना श्री ब्रह्मा जी द्वारा की गई। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दिया। 18 पुराणों को एक ही ज्ञान कहा जाता है, एक बोध। 18 बोध हैं, उन 18 बोधों में से एक बोध 18 पुराण है, ऐसे समझो। तो ये ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे अन्य ऋषियों ने कुछ अपने विचार मिक्स करके उनको 18 भागों में विभाजित कर लिया। उनका अलग अलग से भिन्न भिन्न नाम रख दिया। किसी का देवी प्राण श्री देवी प्राण, किसी का श्री विष्णु प्राण, किसी का श्री शिव प्राण, किसी का श्री ब्रह्मा प्राण, किसी का श्री मार्कंडेय प्राण आदि आदि। लेकिन ये ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया मूल ज्ञान है। अन्य ऋषियों ने अपने अनुभव को इसमें जोड़ दिया, इसलिए उसका लेखक, उनका वक्ता उसी ऋषि को मान लिया गया। जैसे श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि है और लेखक वेदव्यास जी हैं, वक्ता हैं, लेकिन ज्ञान जीवन ज्ञान किसने दिया? वो ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी से दक्षादि ऋषियों ने प्राप्त किया, दक्षादि ऋषियों ने शाश्वत को, शाश्वत से फिर आगे पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम से फिर पराशर ने प्राप्त हुआ। इस तरह यानी इन पुराणों में कुछ मिल करके ये और ज्यादा विस्तृत बन गए। अब हमने जो यथार्थ ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। पुराणों में जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है सीधा, वो ज्ञान ब्रह्मा जी का वो ज्ञान है जो होश में सचेत होने के बाद का है। वो उसने जो बोला है वो उसका बोला हुआ है, ये ठीक है। ये ठीक नहीं है कि जो उसने बोला पुराण में लिखा वो सही है, नहीं, उस सही है या ठीक है वो तो वेदों से तुलना करेंगे, सवसम वेद से मिलाएंगे, तब उसको जो ब्रह्मा जी ने जितना बोला है वो ब्रह्मा ने जो बोला है वो बोला उसने है, ये सही है, ना कि ब्रह्मा ने जो कहा वो पुराण ठीक है, पुराण ज्ञान ठीक है, नहीं, उस ठीक है या गलत है, उचित है या अनुचित है, उसकी तुलना सवसम वेद और इन चारों वेदों से की जाएगी, तो वो ज्ञान सही होगा जो ब्रह्मा ने बताया पुराणों में। तो हमने ऐसे देखना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता हैं और इनके पुत्र जो ऋषि महर्षि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो जो ज्ञान वेदों में है, पवित्र 5ों वेदों में, 4 वेद तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां वेद ये सवसम वेद है। इनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रभुदत्त है। जो गीता जी का ज्ञान है वो ब्रह्म द्वारा दिया गया है। अब गीता जी के ज्ञान में जो ज्ञान वेदों से मिलता है वो बिल्कुल सही है और जो ज्ञान वेदों से नहीं मिलता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने अर्थात क्षर पुरुष ने ज्ञान बोला, प्रेत की तरह प्रवेश करके श्री कृष्ण जी के शरीर में, तो उसने युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो ज्ञान वेद विरुद्ध है,
तो वो गीता जी का ज्ञान वेदों से भिन्न है, वो काल का अपना दिया हुआ अपना अनुभव है। और वेद गीता, वेद ब्रह्म ने जो दिए हैं ये परमात्मा के दिए हुए एज इट इज दिए हैं। और गीता जी में जो युद्ध कर, क्योंकि गीता जी का ज्ञान इस पहले क्यों नहीं दिया श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी ने तो दिया ही नहीं, क्यों लोग कहते श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, नहीं गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता जी में क्या बोला था, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न हो गया है इन अज्ञानी ऋषियों में, ऋषियों के द्वारा भ्रमित किया, समाज को भ्रमित कर दिया गया है। तो यह थोड़ा सा संकेत देंगे कि श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता बोलते समय क्या बोला था, वो तो काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था और उसने ही वो ज्ञान दिया। वो खुद कहता गीता ज्ञान दाता ग्यारह में अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी मैं कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्माओं श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं किया, बाद में कभी काल नहीं कहा, पहले कभी काल नहीं कहा। और ऐसा विकराल शरीर जिसको देख करके ऐसा भयंकर शरीर दिखाया उस काल ने, श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकल कर बाहर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी अलग खड़े होकर देख रहे हैं, और वो काल अलग से खड़ा, अर्जुन अलग देख रहा है। तो उस काल ने सारी ये अटकलबाजी की युद्ध कराने के लिए, और उसी ने ये वेदोक्त ज्ञान गीता जी में दिया, कुछ अपनी अटकल अड़ा दी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37-38 में कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, लाभ हानि को त्याग कर युद्ध कर ले, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 38 में तुरंत ही कह रहा है कि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 में तो कह रहा है कि किसी लाभ हानि की चिंता छोड़ दे, उद्देश्य मत रख, और 38 में लाभ और हानि आप बताने लग रहे भगवान, ये काल भगवान। अब ये तो बात देखो, युद्ध करना करना कोई बालकों का खेल नहीं है और कोई अच्छी बात नहीं, और युद्ध बगैर किसी लाभ हानि के करेगा कौन, अंडरस्टूड है। बगैर लाभ आने के तो हम 10 कदम भी ना चलें किसी तरफ, और वो सिर धड़की बाजी अपने जीवन की बाजी लगाना। तो इस तरह का जो भ्रमित ज्ञान है ये काल जीवन है। और आगे जो ज्ञान है कि भक्ति मार्ग का जो ज्ञान है वो ज्यों का तो वेदों वाला है, उसमें कुछ अटकल लड़ाई है। जैसे इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 4, 5, 6, 8 आदि में लिखा है कि अर्जुन कहता है कि भगवान आपके दोगले से वचन, कभी तो आप कहते हो कर्म ज्ञान को उत्तम बताते हो, कभी आप कर्म को उत्तम बताते हो, कभी आप किसी वस्तु को, तो मुझे ये तेरे दोगले से वचन मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे भ्रमित कर रहे हैं। आप एक ज्ञान बताओ, कभी तो आप कर्म संन्यास कह देते हो, कभी आप कर्म के लिए प्रेरित करते हो। तो तब कहता है कि अर्जुन कर्म संन्यास से कर्म योग उत्तम है, श्रेष्ठ है, और यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा कर्म संन्यासी हो जाएगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, 3:9 श्लोक में। और 5वें अध्याय में कहता है कि एक स्थान पर बैठकर आसन पदम लगा कर आसन एक आसन पर विराजमान हो, एकांत स्थान पर बैठो, नाक के अगले हिस्से पर देखो, दृष्टि लगाओ और ऐसे साधना करो। तो ये दोगली बात होगी, एक तरफ तो कह रहे हैं कि एक स्थान पर बैठ कर तू साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, और दूसरी तरफ 5, 3 हम तो कह रहे हैं कि तेरा निर्वाह कैसे होगा यदि तू शास्त्र कर्म योग कर्म संन्यासी हो गया तो काम छोड़कर बैठ गया या जंगल में चला गया साधना करने लग गया। फिर 5वें अध्याय में खुद कहते हैं कि एक स्थान पर बैठ जाओ, आसन ऐसा हो वैसा हो, इस तरह की बात है। तो ये ज्ञान जो है जो वेद अनुकूल ज्ञान है वो 3 अध्याय के अंदर स्पष्ट, वो सही है, वो वेद ज्ञान है, क्योंकि वेदों से मिलता है। 18वें अध्याय में भी यही लिखा है कि अपने जो स्वाभाविक कर्म है वो करते रहो, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र,
इन चारों वर्णों के जो स्वाभाविक काम हैं वो करते हुए परमात्मा प्राप्त भक्ति करो, उनको करते करते भी भक्ति करो, और वो कर्म त्यागे नहीं जाते, उन कामों को नहीं त्यागा जा सकता, यानी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनको उन कर्मों में करते हुए सत भक्ति करो, तो सत भक्ति से क्या होगा कि जो हम डेली पाप बन जाते हमारे से, जैसे किसान खेत में हल जोतता है ना जाने करोड़ों जीवों को मार डालता है, एक व्यापारी इधर से उधर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन खोल रखी है ट्रांसपोर्ट उसने, तो उसमें ना जाने कितने जीव मरते हैं। और भी बहुत से कर्म हैं, जैसे कोई भी किस मजदूर है अपना कस्सी वगैरह से खोदता है, ना जाने कितने जीव मरते हैं। ऐसे ब्राह्मण लोग हवन आदि करते हैं, विद्वान पुरुष और इधर उधर घूम करके अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, उनसे भी जीव हिंसा होती है, पाप लगते हैं। तो ये कर्म त्यागने नहीं है, इसमें सत भक्ति करने से क्या होगा कि हमारे जो अनजानपने में और स्वाभाविक कर्म में जो पाप होते हैं उनको उन सत भक्ति से वो खत्म हो जाते हैं। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा मैला होता है तो होगा हो तो क्योंकि हम, लेकिन उसका साबुन और पानी से हम उसको धोएंगे जल से तो डेली साफ हो जाएगा, डेली साफ करेंगे तो स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसी प्रकार हम सत भक्ति करेंगे तो अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए भी हम पाप को प्राप्त नहीं होंगे, और शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो वह हमें कोई लाभ होना ही नहीं, तो फिर वो सारे पाप भी लगेंगे, जो स्वाभाविक कर्म वाले भी वो भी पाप लगेंगे, क्योंकि आपके पास वो साबुन और जल नहीं है। इसलिए भक्ति करना तो अति अनिवार्य है प्रत्येक मानव को, और जो भक्ति नहीं करते वो तो वैसे ही पाप के भागी हैं, उनको दोनों ही कर्म भोगने होते हैं, चाहे स्वाभाविक कर्म हो चाहे किसी भी, उनमें जो पाप होते हैं उनको लगेंगे, क्योंकि वो भक्ति नहीं करे, कर रहे हैं साधना विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो भी उनको भक्ति लाभ नहीं हो रहा, उनके पाप नहीं कट रहे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में और 24 में स्पष्ट किया कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी स्वेच्छा से जो पूजाएं करते हैं जो शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों प्रमाणित नहीं है, तो उनसे ना कोई लाभ होता है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के में श्रीमद् भगवद गीता जी में कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, तूने जो सत्साधना करनी है और जो त्यागनी है, और जो कर्म कर्तव्य कर्म हैं वो करने हैं उनके लिए आप सदग्रंथों का ही आश्रय लेना, यदि इसके विपरीत कोई संत तुझे बता रहा है उसको स्वीकार मत करना। तो इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, यह श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय अथ तृतीय अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं, मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। अब यहां ये क्या कहता है, दो में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इस उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न
कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पांचवें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवर्ष किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी और दम्भी कहता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दम्भी अर्थात पाखंडी है। सातवें में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठकर, कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, आठवें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे पांचवें अध्याय में इसने 15वें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है, सिद्धांत है, जो वेद विरुद्ध है। यानी अक्षमा करना, ये छठे में नहीं, पांचवें में नहीं, छठे अध्याय में लिखा है, छठे अध्याय में लिखा है जो एक आसन पर बैठ कर, अब छठे अध्याय में, वो पांचवें में गलत कहेगा ये दास, छठे अध्याय में उस तीसरे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। तीसरे अध्याय के एक से लेकर जो आठवां वर्णन है उसके विपरीत, अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद् गीता के, अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इन इसका अपना ज्ञान है। अब देखना, ये अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे, और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुसा मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, न ऊंच बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वें में कहा कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के वर्तमान स्थित भय रहित बली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुआ है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर सदा निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्राकाष्ठ निर्वाण प्रमाण
शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो, अब निर्वाण परमाम कार्थिन परमानंद की प्राकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम, इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे ऐसे करे, और उसे निर्वाण प्रमाम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण प्रमाम का अर्थ होता है निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है, ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए, और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सचिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सचिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सचिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सचिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का, तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया, इसलिए इस काल ने अपने यहां उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है, जैसे अधिक नहीं है, जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था, इस दास पे कृपा की परमात्मा ने, अब ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने, अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6 के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया, अब कहता है मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का तो रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन ने तो अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो न अति अंश असनत तू योग अस्ति च न एकांतम अनशत न अंशत यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घणा खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम माने एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, यो योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब सवसम वेद में कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु भाखे, प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा,
कम खावे, इतना नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़के सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा ध्यान भूख पर रहे, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आंत मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुत्या उठे आँख खुल जा परमात्मा का मंत्र करे दो चार जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती अन्न की अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने पांच चार मंत्रों का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना, फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरन शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और जिन उन सदग्रंथों से जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि इस गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला, इसका थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, बाकी विस्तृत जानकारी तो कई बार दे चुके हैं, समय आने पर फिर भी देंगे।